अभी धोती पहनने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं धोती पहन पाते कि नहीं। तो आज का ड्रेस सेटअप यही रहेगा और बाइक चला लेंगे, थोड़ा ठंड लगेगा लेकिन भगवान कृपा से ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, भोलानाथ ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और बाहर का मौसम बिल्कुल अब देख सकते हैं घनी कोहरा वाला है। आसपास में कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और आज जो है वो है 22 जनवरी, राम लला जी का आज होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा। उस निमित्त सभी कार्यालय वगैरह बंद है लेकिन हम लोग को स्कूल में अपने विद्यालय में कार्यक्रम करना है, उस निमित्त हम लोग को अभी जाना है। तो जल्दी से तैयारी करते हैं। टेम्परेचर अभी 5 डिग्री दिखा रहा है सेल्सियस हमारे यहाँ जो लोकल लोकेशन में दिखा रहा है। और पूरा का पूरा सामने से घर भी दिखाई नहीं दे रहा है बाउंड्री के अंदर से। और अभी माला स्नान कर चुकी है और अभी पूजा वूजा करेगी, माला भी कर रही है पूजा। और मैं भी अब नहाने चलता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। कौन सा स्नान हो चुका है और विद्यालय से मैसेज आया कि आप धोती कुर्ता आज पहन सकते हैं। अभी धोती पहनने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं धोती पहन पाते हैं कि नहीं। अगर पहन लेते हैं तो स्कूल जाएंगे धोती पहन कर ही। चले दोस्तों, अभी धोती तो पहन लिए हैं और ठंड है थोड़ा, तो जैकेट भी पहन लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ निकलने के लिए विद्यालय। तो आज का ड्रेस सेटअप यही रहेगा और बाइक चला लेंगे, थोड़ा ठंड लगेगा लेकिन भगवान कृपा से ठीक है। दोस्तों अभी आ चुके हैं ध्वज लेने के लिए, शाम को विद्यालय से आने के बाद घर में भी लगाएंगे, अभी इसको ले जाते हैं। और अभी देखिए राम भक्त लगे हुए हैं साफ सफाई में, पूरे चौकी सफाई में। आज धूमधाम से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ भी मनने वाला है, पूरी तरह सफाई किया जाएगा और ध्वज वगैरह भी लग चुका है। अभी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और हेलमेट भी पहन लिए हैं और दस्ताना लगा लेते हैं। और कुहासा का जो असर है वो देख लीजिए। अभी मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं और ठंड तो आज लगा नहीं, भोजन भी करके नहीं आए हैं क्योंकि आज यहां कार्यक्रम होने जा रहा है। और अभी आचार्य जी भी धोती लेके आए हैं और अभी हम लोग मिलकर फिर से पहनाते हैं। दोस्तों अभी साउंड सिस्टम ठीक कर चुके हैं। चलिए पूरी तैयारी हो रही है, रंगोली वगैरह भी बनाया जा रहा है, जल्दी जल्दी बनाइए बहन। और विद्यालय में भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पहले हवन होगा, हवन के बाद हम सभी लोग हॉल में जाएंगे और सीधा प्रसारण देखेंगे टीवी पर। पवन तनय संकट हरण मंगल रूप राम। अभी हनुमान चालीसा भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके बाद सीधा लाइव का प्रसारण अगले 1.5 से 2 घंटे तक हम लोग रखने वाले हैं। दो दो टीवी की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भैया बहनों को प्रसाद रूप में खीर वितरण किया जा रहा है। और इसके बाद भैया बहनों ने भक्ति गानों पर झूमे, नाचे, उत्साह मनाए, खुशी मनाए और तत्पश्चात अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान की है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं सभी भैया बहन जब चले जाएंगे तो फिर सभी आचार्य लोग हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है और हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कब भैया घर चलना है?
दोस्तों अभी विद्यालय से पहुंच चुके हैं और आज मेरे साथ बेटा भी आ रहा था, बोला पापा आज हम आपके साथ जाएंगे। चलो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।